हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो होप आप सबके दशहरा बहुत अच्छे से बीता होगा। और आज बहुत ही सुंदर एकादशी है, पापानुकुशा एकादशी। तो आज की जो एकादशी वो स्पेशल है। आज की एकादशी से जीव जो है वो अपने जितने भी अनर्थ हैं उनसे निकल सकता है और भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इस दिन हमें भगवान की अच्छे से वंदना करनी चाहिए। प्योर एसोसिएशन पर जाकर आप इसकी कथा सुन सकते हैं, ठीक है। आज हम ईशोपनिषद पढ़ेंगे, उनका मंत्र 13। अन्न देवाहु संभवात् अन्यत आहु असंभवात् इति शुश्रुधीनानां येन यत् विचिक्षरे। तो कहा जाता है कि जो भगवान जो है समस्त कारणों के कारण, परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है और जो परम सत्य नहीं है उनकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। ये सब उन धीर पुरुषों से सुना है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो ये जो रिजल्ट बता रही ईशोपनिषद और साथ में डिक्लेयर कर रहा है, ये जो धीर पुरुष हैं, जो साधु संत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने ये रिजल्ट बताया। यानी ये रिजल्ट क्या है, बिल्कुल सही है। तो क्या बताया है कि अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो उसका अलग रिजल्ट मिलता है, और जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसका अलग रिजल्ट प्राप्त होता है। जो परम सत्य नहीं है, तो परम सत्य कौन है, पहले पीछे हुआ है ना ईशावासेदम, तो ईशा कौन है, भगवान कृष्ण है ना। क्यों, क्योंकि क्वालिटी क्या है, ओम पूर्ण अदा पूर्ण इदम, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्णस्य पूर्ण आदाय पूर्णमेवा वशिष्यते। तो जब हम चेक करते हैं ये क्वालिटीज को, तो किसी भी में ये क्वालिटी नहीं प्राप्त पाई जाती कि भगवान पूर्ण होते हैं, मूल से सारी चीजें निकलती हैं, वो भी पूर्ण बनी रहती हैं, और भगवान से सारा निकलने पर भी भगवान अपने पूर्ण अवस्था में बने रहते। तो ये क्वालिटी केवल कृष्ण की है ना। इसलिए परम पुरुषोत्तम भगवान कौन हुए, कृष्ण हुए। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान जो समस्त कारणों के कारण है उनकी वर्शिप करने पर अलग रिजल्ट मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है, मतलब देवी देवता है ना, संभवात और असंभवात, दो शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना। तो संभवात का मतलब होता है भगवान, और असंभवात का मतलब होता है देवी देवता, यानी जो परम सत्य नहीं है। तो ये किसने कहा है, ये तो पुष्टि हो गई, भगवान ने भी कहा है, लेकिन धीर पुरुषों ने भी अपने अनुभव के अहसास में कहा ऐसा ही है। तो जो लोग मायावादी हैं, अक्सर आप सुनते होंगे क्या, किसी की भी पूजा करो रिजल्ट एक ही होगा, यहाँ उसका खंडन होता है। आइए पढ़ते हैं। यस, पढ़ेंगे कोई, हरे कृष्ण माता जी को। अनु तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा इस मंत्र से धीर पुरुष से श्रवण करने की पद्धति प्रामाणिक होती है। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होता, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती। जिस भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्र या वैदिक ज्ञान को सुना है, वह कभी भी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित नहीं हो। भगवद गीता 9.25 स्पष्ट करता है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक को प्राप्त करते हैं। वे नीकपट भौतिकवादी जो यही बने रहने की योजना बनाते हैं, इस लोक में रहते हैं, और भगवत भक्त जो समस्त कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते, वैकुंठ में भगवान के धाम पहुंचते हैं। यहाँ पर श्री ईशो उपनिषद में भी पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से विभिन्न प्रकार के फलों प्राप्त होते हैं। यदि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं
तो हम अवश्य ही उनके नित्य धाम में उनके पास पहुंचेंगे। लेकिन यदि हम सूर्य देव अथवा चंद्र जैसे देवताओं की पूजा करें तो हम निसंदेह उन लोकों में पहुंच जाते हैं। किंतु यदि हम अपने योजना आयोगों तथा अपनी काम चलाओ राजनीतिक छोड़ तोड़ से मनहूस लोक में बने रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम वह भी कर सकते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि एक मनुष्य मिनट कुछ रेखा, यहाँ तक हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो 12वां श्लोक था उसमें हमने देखा था कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में जानते हैं, और उनसे भी बढ़कर वो होते हैं जो निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं, है ना। तो वहां पे भी असंभूति शब्द देवताओं के लिए आया है ना। असंभूति शब्द, असंभूति भगवान का परिचय। तो यहाँ पे फिर से संभूति का करा के अलग रिजल्ट मिलता है और असंभूति का अलग रिजल्ट मिलता है। तो समझना चाहिए कि जब हम संभूति शब्द यूज करते हैं तो वो भगवान के लिए यूज होता है, और भगवान की रियलाइजेशन तीन स्तर पर होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जब हम संभूति का अर्थ ब्रह्म रूप में लेते हैं तो उसका डेस्टिनेशन अलग हो जाता है। लेकिन जब हम संभूति की परिभाषा भगवान कृष्ण के रूप में लेते हैं तो अभी वो डेस्टिनेशन भक्ति हो जाता है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए जब हम ब्रह्म के उपासक होते हैं तो क्योंकि वापस पृथ्वी लोक पर हम आ जाते हैं, समझ रहे हैं, इसलिए नरक के अंधतम लोकों में जाते हैं। क्यों अंधे जाते हैं? क्योंकि ब्रह्म रियलाइजेशन को अल्टीमेट मान लेना, देखिए कितनी बड़ी बात है। पहले तो जीव जिज्ञासु है, वो जब जिज्ञासा के कारण ढूंढने निकलता है कि वो कौन है, कौन है भगवान, कौन है, तो उसने जब ब्रह्म को सर्वोच्च सत्य मान लिया तो वो आत्महत्यारा हो जाता, मतलब उसने पूरा रास्ता ही बंद कर दिया। अब समझ रहे हैं, वो कभी भगवान के जो वास्तविक स्वरूप भगवान का रियलाइजेशन है, जो फर्स्ट स्टेप है ना, जैसे भगवान के साथ कई रसों में भगवान के साथ आदान प्रदान होता है, रहते हैं, भगवान का स्वरूप होता है ना, रिलेशन होता है, वो रास्ता ही बंद कर दिया, इसलिए वो नरक में जाएंगे। और कैसे नरक में जाते हैं? देवताओं के तो नरक में जाते हैं, वो उनसे भी भयानक नरक में जाते। अब समझ रहे हैं, क्योंकि देवता वाले जो भक्त होते हैं वो अपना रास्ता खुला रखे हैं, अज्ञानता के कारण अभी नहीं जान रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जब उनकी सुकृति हो, सुकृतवान हो, या कभी कोई कृपा मिले तो वो भक्ति के का मार्ग उनके लिए खुला हुआ है। लेकिन ये जो पर ब्रह्म वाले हैं इन्होंने अपना सब ब्लॉक कर दिया है ना, आत्महत्या रहा, तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और यहाँ 13वें मंत्र में फिर से संभूति शब्द आता है और असंभूति शब्द आता है, ये आप लोग को नोट करना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संभूति शब्द जो होता है इसमें ये बताया गया है कि जो भगवान, अभी भगवान की भक्ति की बात हो रही है, अभी ब्रह्म की बात नहीं हो रही, अभी किसकी बात हो रही है? भगवान के। और वो कैसे भगवान है? जो समस्त कारणों के कारण है, यानी कृष्ण, समझ रहे ना, कृष्ण। तो उनकी जब हम भक्ति करते हैं तो हमें अलग फल मिलता है, और जो असंभूति है यानी जो परम सत्य नहीं है, यानी देवी देवतास, वो उनकी पूजा करने से हमें अलग फल मिलता है। एकदम एक्सप्लेन कर दे रहे। तो जनरली जो दुनिया है, ये जो जगत है, भौतिक जगत, इसमें जो है कुछ भ्रम जो है वो विद्यमान है, जिसे श्री प्रभुपाद ईशोपनिषद के द्वारा खंडन किया, और ये बहुत लॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्पोर्ट श्री प्रभुपाद ने दिया है, और ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदम। जिसमें बताया गया है कि इस मंत्र में बताया गया है कि जो हमें कैसे श्रवण करना चाहिए, जो धीर है ना। धीर का मतलब जानते हैं आप? धीर का मतलब क्या होता है प्रिया? ट्राई करो, धीर का क्या मतलब होता
जी जो फिक्स्ड है किसी भगवान का, भगवान फिक्स्ड है हाँ, लेकिन कहाँ फिक्स्ड रहता है? भगवान के भक्ति में। के भक्ति में फिक्स्ड रहता है। और सही बोला, गंभीर है, एक ही पाथ को चूज करते हैं। एक ही बात को छूट कर व्यवसात्मिका बुद्धि। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट छूट रहा है, सही बोल रहे हैं। वो विचलित नहीं होता किसी भी भौतिक अप डाउन से, दिस इज धीर। कैसा अप डाउन? मतलब जानलेवा अप डाउन। परीक्षित महाराज को पता चला 7 दिन में मृत्यु होने वाली है ना, जरा भी नहीं घबराए, है ना। हम लोग क्या होंगे, एक फिल्म बना देंगे और गाना गाएंगे है ना। तो हम लोग छोटी छोटी चीजों में ही, धीर का मतलब होता है जो भौतिक परिस्थितियों से कभी विचलित नहीं होता और एक निष्ठ होकर भगवान में आश्रय रखता। तो श्रवण हम जब तक धीर पुरुषों से नहीं करते, और धीर में भी कैटेगरी होती है कनिष्ठ मध्यम और उत्तम, एटलीस्ट मध्यम व्यक्तियों से बात करनी चाहिए। क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं, इस जीवन में जब दशाएं आती हैं, अलग अलग विपरीत दिशाएं आती हैं, तो उनमें वो किस तरह से अपने आप को रखते हैं, किस तरह से सिद्धांतों का पालन करते हैं, अगर मध्यम अधिकारी का हम पालन करते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है, ठीक है ना। क्योंकि परिस्थितियां आती हैं, दुख आता ही है। जैसे कि अभी, जैसे जब हमारा बच्चे छोटे होते हैं तो आजकल की फिल्मों के गाने गाते हैं ना, दम मारो दम मिट जाए गम, है ना। तो क्या सिखा रहे हैं कि दम मारने से गम मिट जाता है ना। क्या क्या लेसन सीख रहे हैं? एंटरटेनमेंट तो दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों को सिखा क्या रहे हैं कि अगर आपके पास गम आए तो एक पैग लगाने का, छुट्टा मारने का, गम जो है एकदम चला जाएगा, है ना। एलेटिस सेक्स कर ले तो क्या हो जाएगा, गम जो है वो निकल जाएगा। ये हम उसको आजकल के गानों में, आजकल के भी बहुत नए गानों में भी यही सब है ना, छुट्टा मार ले, ये कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे करके बहुत से गाने। तो जब वो बच्चा गाता है तब तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं सकती, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं करती। तो पेरेंट्स को कहाँ से सिखाना चाहिए? पेरेंट्स को शुरू से ऐसी बातें बतानी चाहिए कि भगवान पे आश्रय रहे, है ना। राधा कृष्ण प्राण मूल युगर सुखो, ऐसे भजन सुनाने चाहिए, ऐसी बातें उनको बतानी चाहिए, है ना। कि भगवान तू ही सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, है ना, आप ही मेरे ईश्वर और परमेश्वर, है ना। जैसे कि गोपियां क्या कहती हैं, चैतन्य महाप्रभु भी लास्ट में कहते हैं ना, यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राण नास्तु स एव न पर। आप मेरा दर्शन करें न दर्शन करें, मुझे छोड़ दें, मेरे सामने आप किसी का आलिंगन करें, है ना, तब भी मेरे आप प्राणनाथ बने रहेंगे हे लंपट, है ना। तो गोपियां भी हमेशा भगवान को जो है हर परिस्थिति में करती। तो ऐसे लोग धीर होते हैं और उनसे हमें जब सीखा जाता है तब हमारे अंदर सही भाव आते हैं। लेकिन जब आचार्य प्रमाणिक नहीं होते तो क्या होता है वो बगुले की तरह होते हैं, दिखते परमहंस है वाइट वाइट, लेकिन जैसे उससे बस समाधि लगा के बिल्कुल बिल्कुल समुद्र के पास खड़े रहते, नहीं मैं तो बिल्कुल अब संत हो गया, कोई मछली की तरफ तो मैं देखता भी नहीं, लेकिन वो उसकी जो समाधि तब तक रहती है जब तक वो मछली उसके पास तक नहीं आती है, उसको मछली को देखते ही फिर वो उसको मार के खा लेता है। तो जब परिस्थितियां आती हैं तो आजकल के लोग दिखाने के लिए तो बहुत वीडियो दिखाते हैं कि बहुत अच्छे और धीर हैं, लेकिन वो बिल्कुल धीर नहीं होते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त हो जाती है जब हम धीर पुरुषों से श्रवण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत सुंदर वर्ड्स हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं, है ना। कि दिव्य ज्ञान की असली पूंजी क्या है, जब हम धीर पुरुषों से श्रवण करते हैं। देखिए ये श्लोक जो है, बाकी लोगों ईशोपनिषद पढ़ते हैं उनको भी ये ज्ञान होगा, स्पेशली ज्ञानी लोग ईशोपनिषद बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जो शील प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ जो हम पढ़ते हैं इससे भक्ति उत्पन्न होती है। आप समझ रहे हैं
ये फर्क होता है, इसलिए ये परपोट को श्री प्रभुपाद ने बहुत बड़ा लिखा है। और श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा भगवद गीता में भी कहा है, कहां कहा गया है कि सबकी पूजा करने पर एक ही फल प्राप्त होता है। भगवद गीता में भी भगवान 9.25 में कहते हैं कि अगर हम पितरों की पूजा करते हैं तो पितृ लोक को जाएंगे, देवता की पूजा करते हैं देव लोक को जाएंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम को वापस आते हैं। तो कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी है कि कोई भी पूजा करने से जीव को एक ही डेस्टिनेशन प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? तो ये बात हम लोग तो देखो जानते ही नहीं है, तो हमारे सामने रखी गई वेरी इजिली वी हैव एक्सेप्टेड, लेकिन अगर जनरल पब्लिक में आप ये बात कीजिए इतने आसान नहीं है इसको एक्सेप्ट करना, है ना? अब वो जनरल पब्लिक आपके पेरेंट्स ही होंगे आप कहोगे हाँ हम ना यहाँ पे द्वारिका गए थे दर्शन करके आए, हाँ हम भी गए थे बद्री का आश्रम दर्शन करके आए, सेम काम किया, क्या किया, गए दर्शन किया, ये किया, यहाँ गए वहां के, फिर उसके बाद होटल पे आके खाना खाया, फिर यहाँ आके मीट खा रहे भक्तों की तरह किया उन्होंने नहीं, वहां पे जाके न श्रवण किया, ना आपका हृदय परिवर्तन हुआ, तो धाम दर्शन थोड़ी किया, है ना? तो यहाँ पुष्टि करती विभिन्न प्रकार की पूजा से भिन्न भिन्न प्राप्त प्राप्त होते हैं। तो देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं उनसे कभी भी भगवत धाम नहीं मिल सकता, और भगवत धाम हमारा डेस्टिनेशन, जीव को कोई भी प्लैनेटरी सिस्टम में आप भेज दीजिए, है ना, उच्च लोकों में भेज दीजिए, लेकिन वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता जब तक कि वो भगवत धाम नहीं जाए। समझ में आ रहा है? हमारे अंदर जो एक एक एक, एक अजीब सी, आप लोगों को पता नहीं होती है कि नहीं, जैसे कुछ भी काम करते थोड़ा सा मतलब ठीक लगता है, फिर उसको फिर से वो बेचैनी सी लगती है, है ना? जैसे कोई चीज सक्सेस मिल गया, मान लीजिए हमने सोचा कि हमको ये जॉब मिल जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा हो जाए, मान लीजिए वो सक्सेस, फिर उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद फिर से अजीब सी बेचैनी सी लगती है, लगता है पद्मा माता जी? क्यों? क्योंकि हम लोग ना अपने डेस्टिनेशन को नहीं जा रहे हैं, है ना? हम भौतिक जगत में उपाधियों को सोच के सोच रहे हैं जो बाकी लोगों ने हमें तय किया, हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया, हमारे जो टीचर्स ने, हमारे जितने भी सो कॉल्ड हमारे आश्रय तत्वों ने हमें जो डेस्टिनेशन बताए हम उनको प्राप्त करते, तो उनको प्राप्त करके भी हम सेटिस्फाइड से नहीं होते, अंदर से कुछ अच्छा सा नहीं लगता। क्यों गोलोकेश्वर? कुछ समय तक अच्छा लगता है बिकॉज हमने उसके लिए मेहनत की है। बस माता जी, पर मतलब एक चीज अचीव होने के बाद वही सेम फीलिंग हमें दूसरी चीज के लिए आने लगती है, हाँ। दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, फिर लगता है अच्छा ये तो हो गया, तो हम करेंगे तो शायद हम खुश हो जाएंगे, ज्यादा बेटर हो जाएंगे, ये तो कमी रह गई थी, ये स्टाइल से नहीं हुई है, लग जाती है, ये स्टाइल से नहीं हुई है, हमें नया स्टाइल करके ये चीज ऐड नहीं करे थे, इसलिए हमें सही से सुख नहीं मिला, है ना? तो इसलिए जैसे ऐसा होता है, जैसे मेरा बेटा है ना, वो जैसे कि कॉलेज में जा रहा था एडमिशन के लिए, उसको लगता था जैसे फिल्मों में दिखाता है ना, जैसे सुख सुविधाओं से पूर्ण, लड़कियों से पूर्ण कॉलेज तो उसको लगता था कि सब, आप दुनिया के किसी भी कॉलेज में चले जाइए सब बेकार है मटीरियल लेवल पर, है ना? सुख सुविधाएं हो सकती है लेकिन पढ़ना पड़ेगा तो ये भ्रम मत उत्पन्न करिए। तो हमको लगता है नहीं शायद यहाँ मेरा एडमिशन हुआ था ना, देखो वो लड़के कितने बढ़िया थे, उनके पास ये भी मिला ये भी मिला, नहीं सब जगह कमियां रहेंगी क्योंकि वो भौतिक जगत है, और जीव की जो पिपासा है वो क्या है, भगवान की भक्ति करना, वो देवताओं की भक्ति से नहीं प्राप्त होती है। लास्ट में बोलते हैं कि श्री प्रभुपाद देखिए लिखते हैं, किंतु यदि हमें योजना आयोग तथा उनकी काम चलाओ राज की जोड़ तोड़ के इसे मनहूस ग्रह में बनाए रखना चाहते इस भगवान चाहते हैं कि हम इस ग्रह से वापस निकल के अपने घर वापस आए, लेकिन ये मनहूस ग्रह में हमें बनाए रखना चाहते, मनहूस वर्ड यूज किया है ना, इस सड़े हुए जगत जहाँ पे जगह जगह पे दुखाले है, जहाँ हमेशा सचेत रहने की जरूरत है, वहां पे रिलैक्स बताया जाता है, आराम से रिलैक्स होके रहिए, है ना? कितने विचलित परिस्थिति में हम हैं। फिर बोलते हैं प्रामाणिक शास्त्र में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि मनुष्य कुछ भी करे, किसी की पूजा करे, उसको सेम लक्ष्य प्राप्त होगा। ऐसे मूर्खावाद सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। श्री प्रभुपाद का ही कथन, कौन से गुरु के द्वारा? स्वतः निर्मित, जो कि परंपरा से नहीं होते, अपने आप को खुद ही गुरु बनाए रहते हैं। तो कोई भी प्रामाणिक गुरु जो होता है वो एक ही लक्ष्य को जाते हैं,
कोई भी मनुष्य इस दक्ष को अपनी विधि से कई देवताओं या परमेश्वर की पूजा या किसी की भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। ये सब बातें बकवास। हम किसी की भी पूजा करें, है ना, हम साईं बाबा की मकबरे की पूजा करें या कोई भी ऐसे पूजा करें और हम चाहते हैं कि हमें भगवत भक्ति का फल प्राप्त हो, ऐसा प्राप्त नहीं होता। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसे गंतव्य का टिकट खरीदा हो। बहुत ही एग्जाम्पल देते हैं और ये एग्जाम्पल मुझे हमेशा याद रहता है। अगर आपने कलकत्ता का टिकट खरीदा है तो आप कहाँ जाएंगे? प्रिया, कलकत्ता। और अगर आपने बॉम्बे का टिकट खरीदा तो कहाँ जाएंगे? बॉम्बे, है ना। लेकिन अगर कलकत्ता का टिकट खरीदा तो आप बॉम्बे नहीं चले जाएंगे, आप जहां का टिकट खरीदेंगे वहीं। तो यहाँ से होता है कि इसलिए मूर्ख जो लोग डेस्टिनेशन बताते हैं, किसी की भी वर्शिप करो और वो जो है वो उसका एक ही रिजल्ट प्राप्त होता है, ऐसा नहीं होता। श्री प्रभात कहते हैं, जब तक कोई प्रमाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करता, जो गुरु शिष्य परंपरा में हो एवं परंपरा प्राप्त विदम राधे ऋषि, तब तक उसको ये वाली बात नहीं पता चलती। देखिए ये बहुत गूढ़ बात है ना, आपने कभी अभी तक समाज में ऐसी बात सुनी थी? नहीं सुनी। जब हमने भगवत गीता वो भी शिल प्रभुपाद की पढ़ी या ईशोपनिषद जो आप अभी पढ़ रहे हैं, इसीलिए ईशोपनिषद ना शुरू में पढ़ना चाहिए जब आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको इतना इतना स्ट्राइक करता है एक एक सिद्धांत, वो बिल्कुल एक एक ना जैसे मील का पत्थर बन जाएगा आपके लिए। जैसे मेरे पास कोई उतना नॉलेज नहीं था, मेरी शुरुआत की जो ज्ञान की पुस्तकों में गीता के बाद थी वो यही थी और गीता समझ में आती नहीं थी तो, लेकिन जब ईशोपनिषद में पढ़ा तो मेरे लिए ये सब बहुत पिलर की तरह काम करते हैं और एकदम माइंड में क्लियर हो गया कि कोई भी कितना भी कहता है, चाहे वो कितने भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में अगर ये बताया गया कि हम जब भगवान की पूजा करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, दोनों सेम रिजल्ट नहीं हो सकता। मान लीजिए हम दशहरे में हम अपने घर परिवार के साथ रहते हैं और प्रेशर में दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते, तो हम सोचे कि उसे भगवान को ये वैष्णवी, अब सुनना अलग है। देवी देवता में भगवान देवी देवताओं को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये उनका दोष है, लेकिन भगवान की भक्ति में भगवान जो सर्वे सर्व सर्व कारण कारण है, ऐसा मान के पूजा करना सही है। आप समझ रहे हैं, ये होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे कि आप हम लोग जैसे ज्यादातर ज्ञान कहाँ से लेते हैं? सिनेमा से लेते हैं, है ना। तो फिर सिनेमा में कभी कभी पुरानी पिक्चरों में जो दिखाता है कि अगर जीव को कोई प्रॉब्लम होती तो मंदिर जाता है। अभी आप मंदिर में वो जाता है तो आप देखिए केवल भगवान होते हैं, गुरु होता है, गुरु परंपरा या कुछ ऐसा कुछ होता है? और जबकि हमारे शास्त्र में बताया है कि गुरु के नहीं रहने पर अगर हम ज्ञान लेते हैं तो कभी भी फलित नहीं होता है। सिंपल सी थ्योरी सबको पता है, लेकिन किसी भी मंदिर में, किसी भी सनातन मंदिर में आप मुझे गुरु की फोटो बताइए। कितना चैलेंजिंग नॉलेज दे रहा है, आप समझ रहे हैं? अभी थोड़ा सा आंख बंद करके अपने आसपास जितने भी मंदिर हैं थोड़ा सा घूम जाइए आंख से और कहीं बताइए कि कहां भगवान के साथ परंपरा या गुरु होते हैं। डायरेक्ट भगवान की पूजा करते हैं और भगवान ने कितना बताया कि मेरी डायरेक्ट पूजा कितना खतरनाक है, गलत त्रुटिपूर्वक की जा रही है पूजा। तो ये सब ज्ञान कहां है, मतलब कितने लेवल पर अज्ञानता है, आप समझ रहे हैं? आप केवल इस्कॉन में जाते हैं तब आपको गुरु ही नहीं, परंपरा भी मिलती है, चैतन्य महाप्रभु और षट गोस्वामी मिलते हैं। समझ में आया? ये षट गोस्वामी का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जितनी भी वैदिक नॉलेज है, जितनी भी वैदिक नॉलेज है आज हमें जो प्राप्त है वो हमें षट गोस्वामियों के द्वारा प्राप्त। हम कहां से, अब देखिए बाहर के लोग कभी कभी एग्जाम्पल कभी कहीं पद्म पुराण का, कभी कौन से पुराण का, कभी किसी उपनिषद का, ऐसे करके देते ना कोई भी चीज के बारे में मतलब आप कैसे देंगे, आपके पास गोस्वामी कहाँ है? जब परंपरा लुप्त तो हो गई तो इस ज्ञान को प्रतिपादित किया है षट गोस्वामी। आप देखिए हम लोग जो शिल्परूपा से ज्ञान प्राप्त करके चीजों को समझ रहे हैं और अभी की जो नॉलेज है, जो जो लोग हिंदू का प्रचार कर रहे हैं या जो भी अन्य धर्म का बोल रहे हैं, उनमें कितना अंतर है, अंतर दिखता है आपको? देखिए पढ़ते समय ना थोड़ा सा कंसंट्रेट भी करिए,
है ना, आप जो आसपास वातावरण देख रहे हैं उनमें जो नॉलेज प्रोवाइड किया, जैसे कि किसी भी चीज के बारे में ये ऐसा था, ये लीडर ऐसा था, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो उन लीडर को फॉलो कौन करते थे अंधे की तरह? शिल प्रभुपाद पहले व्यक्ति थे जो लिखते थे कि महात्मा जो है रबर के स्टैंप लगा कर महात्मा नहीं बना जाता, महात्मा बनने के लिए लक्षण होने चाहिए, जैसा कि महात्मा बनने के लिए भगवद गीता में बताया गया। शिल प्रभुपाद महात्मा गांधी के बारे में कब से बोलते थे, है ना, आप देखिए। लेकिन अभी जो लोग अभी रियलाइज कर रहे हैं, कितने साल बाद कितने साल हो गए हमारी आजादी को, कितने साल बाद, 75 ईयर्स के बाद हमको रियलाइजेशन आ रही है कि वो व्यक्ति गलत था, उसने ये करके दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो ये सब चीजें, ये सब देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं और षड गोस्वामी हैं, अभी समझ रहे कितने इम्पोर्टेंट है षड गोस्वामी। इवन हम लोग जब पढ़ते हैं तो एकदम साफ साफ लिखा गया है कि यदि हमें राधा कृष्ण की प्रीति जाननी है, जो कि डेस्टिनेशन है हमारा, अगर षड गोस्वामी नहीं है, उनके ग्रंथ हम नहीं पढ़ते हैं, तो हम कभी भी उनकी प्रेम प्राप्ति नहीं कर सकते, कभी भी नहीं प्राप्ति कर सकते। ये सब क्या है, ये सीक्रेट्स हैं, समझ गए आप, ये सब क्या है, सीक्रेट्स हैं। तो जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए थे तो भक्तियों के सिद्धांत यानी भगवद गीता दी थी उन्होंने अर्जुन से, प्रारंभ होने वाली परंपरा को फिर से, जो पुरानी परंपरा थी इसको अर्जुन के माध्यम से फिर से एस्टेब्लिश किया, और फिर बाद में भगवान ने ये सिद्धांत अर्जुन को क्यों दिया था, क्योंकि भगवान का मित्र था, है ना, सखा था, इसलिए भगवान में विनम्र होने के कारण अर्जुन को मित्र और सखा था, इसलिए ये ज्ञान प्रतिपादित किया। यानी गीता को समझने के लिए क्या चीज आवश्यक है, विनम्र और भगवान के प्रति सखा भाव, सखा मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, प्रेम करना चाहिए भगवान से, वो व्यक्ति भगवद गीता समझ सकता है। क्योंकि हम जब जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं उसमें जो जितने भी सिद्धांत है सारे सिद्धांत गलत है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को शुरू में ये बताया जाए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए एक एक को विध्वंस किया जाता है। तो एक्चुअल में हम लोग सिचुएशन में ही गलत है, समझ रहे हैं, तो हमें जब तक बाहर नहीं निकला, वो बाहर नहीं, एक दो गलती नहीं है यहाँ पे, या उल्टा ही है पूरा तो तब उसको निकाल, लेकिन जब शुरुआत में उस व्यक्ति को खींचा जाता है तो उसको तकलीफ होती है, इसलिए एक एक करके उसको निकाला जाता है। तो वर्तमान समय में इस भव संवाद के अनेक व्याख्याकार ने अनुवाद किया, ये भगवद गीता पर बहुत से लोगों ने टीका टिप्पणी की है। देखिए शिल प्रभुपाद क्यों इतना बड़ा परपोर्ट इस पर लिख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग शायद इस्कॉन से जुड़े हुए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप सोच के देखिए कि शिल प्रभुपाद के पहले ये नॉलेज ही नहीं था, भगवत गीता थी, भागवतम थी, ईशोपनिषद था, सभी ग्रंथ थे ना, लेकिन कोई इस तरह से चीजों को नहीं देख पा रहा था, नहीं समझ पा रहा था। क्यों? क्योंकि उनको अपनी अपनी परिकल्पना देने की आदत थी, मत था। अब पहले जैसे राधा कृष्ण की भगवत गीता है ना, सब मायावाद है, कहीं भगवान तक पहुंचाती नहीं है। आप सोच के देखिए राधा कृष्ण कितने बड़े विद्वान थे, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बड़े बड़े पदों पर भी रहकर लोगों को कृष्ण का ज्ञान नहीं था। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जिनकी बुद्धि मारी जाती है, देखिए देवी देवताओं की पूजा का मनाही क्यों है, जबकि सेकंड नाम अपराध में क्या कहा जाता है कि देवी देवताओं को भगवान से अलग समझना भी अपराध होता है, क्यों पद माता जी, समझ रहे हैं ना। तो अगर वैष्णव से पूछा जाता है कि भाई हम इतने नवरात्र हो रहे, दुर्गा हो रहे, तो हमको भी कर लेना चाहिए, क्या दिक्कत है ना, पूजा कर लेनी चाहिए, तो उसमें बताया गया है क्यों नहीं करते वैष्णव लोग देवी देवता की पूजा, क्योंकि अल्प बुद्धि वाले देवताओं की पूजा करते। कौन से बुद्धि वाले देवताओं की पूजा करते हैं गोलोकेश्वरी माता जी? अल्प बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले। अब अल्प बुद्धि वाले क्यों होते हैं यमुना, वो क्योंकि माता जी वो डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच नहीं कर रहे, और दूसरा वो देवी देवताओं की मतलब बिना ढंग कोई प्रोसेस से नहीं कर रहे, प्रोसेस से नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट बात है, क्या थे, थोड़ा सा कोशिश करो प्रिया। बिकॉज कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, बिकॉज कृष्ण जी सुप्रीम लॉर्ड है, तो जनरल बढ़िया वाला आंसर देती है, सब जगह फिक्स हो जाएगा, स्पेसिफिक क्या होगा,
पद्मा माता जी क्यों अल्पमेधसा है, आप समझ रहे हैं मैं क्या पॉइंट उठा रही हूँ? हाँ. Why less intelligent people worship demigods? Yes. क्योंकि उन्होंने टिकट नहीं खरीदा, आप जैसे कहा ना वो लोग नहीं, answer ये नहीं. Yes. इच्छाओं की पूर्ति जल्दी हो जाती है इच्छाओं की पूर्ति जल्दी होती, काफी नियर अबाउट हो, काफी नियर अबाउट गए. मैं बताती हूँ आप लोगों को, अच्छा टाइम नहीं हमारे पास. अल्प मेधेसा इसलिए होते हैं क्योंकि जो देवी देवताओं से जो वर मांगे जाते हैं वो भौतिक मांगे जाते हैं और वो नश्वर हो. तो बेवकूफ लोग ऐसे वर मांगेंगे ना जो नश्वर हो, नाश हो जाए जिनका, है ना, उनको क्या बोलते हैं, जिनकी बुद्धि कम हो, है ना. क्या मांगना चाहिए? मांगना चाहिए जो शाश्वत हो. समझ में आ गया? अल्प मेधसा इसलिए होते हैं वो क्योंकि वो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की भक्ति करते हैं और वो जो मांगते हैं वर, इतना इतना मेहनत करके पूरा जीवन लगा के, वो वर भी यहीं रह जाता है. उसका कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है ना. वो घर मकान परिजन नौकर चाकर गहने कपड़े कुछ भी नहीं, कुछ भी बेकार. तो अल्प बुद्धि हुए ना. और जो भगवान के भक्त होते बुद्धिमान होते हैं, क्यों? क्योंकि वो शाश्वत वर मांगते हैं, भगवान आप हमें भक्ति दीजिए, क्योंकि वो जीव का स्वरूप होता है. क्लियर हुआ अब ये बात? ये सब छोटी छोटी चीजें, थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए आप लोग. अब मैं ईशोपनिषद में आप लोग को बहुत कुछ बताती हूँ, तो क्या होता है जब आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो ये सब अगर ध्यान में रखिए बातें, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, संभूति और असंभूति शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन संभूति शब्द को जब हम ब्रह्म के लिए इस्तेमाल करते तो गलत है, लेकिन संभूति शब्द को जब हम भगवान के लिए यूज करते हैं तो अलग बात होती है. ये सब समझने की कोशिश करिए. इसीलिए जब हम संभूति की पूजा करते हैं तो अलग फल प्राप्त होता है और जब असंभूति की पूजा करते हैं तो अलग प्राप्त होता है. देवी देवता की पूजा एकदम क्लियर अपने दिमाग में रखिए. इसीलिए मैंने आप लोगों को अभी दशहरे का एग्जाम्पल देके क्या कहा, जो मूल सिद्धांत है कि रामचंद्र जी वापस आए थे तो दिवाली मनाई गई थी. के भगवत गीता, अच्छा भगवत गीता को श्रील प्रभुपाद बार बार कोट क्यों करते हैं? भगवान का वाणी है, भगवान की वाणी है तो श्रीमद् भागवतम भी है. Why श्रील प्रभुपाद कोटिंग ऑलवेज भगवत गीता? आप देखिए जितना भी ईशोपनिषद में बहुत कम ब्रह्म संहिता या एग्जांपल दे रहे हैं, ज्यादातर श्री प्रभुपाद भगवत गीता का एग्जाम्पल देते क्योंकि वो उपनिषद है. सभी उपनिषदों का सार है भगवत गीता, पढ़ा है ना आपने? भगवत गीता उपनिषदों का सार है. 108 उपनिषद हैं, उन सब का सार है
भगवत गीता। अभी समझ में आ रहा है? इसलिए उपनिषद को, उपनिषद के शास्त्रों से श्री प्रभुपाद को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, क्योंकि हिडन है कृष्ण यहाँ पे, हिडन बात। यहाँ पे देखो कृष्ण शब्द आया है, कृष्ण नहीं आया है, संभूति और असंभूति की बात की जा रही है। तो भाई संभूति का मतलब क्या होता है? परम परम कारण। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं 10.8 में, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सबका उत्पत्ति का कारण हूँ, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का, मुझसे ही सब जगह उसको उत्पन्न होती है, और जो जानते हैं वो भली भांति मेरी भक्ति करते हैं। यानी परम कारण कौन है? ब्रह्म संहिता में बोला क्या, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्मा भी यही बात बोलते हैं, है ना। शिव जी बोलते हैं विष्णु आराधनम जो है सर्वेशम, सभी आराधना में सबसे श्रेष्ठ आराधना किसकी होती है? विष्णु। समझ रहे हैं आप? देखिए तो सभी लोग किसकी ओर इंगित करते हैं जब परम कारण की बात आती है? तो कृष्ण के लिए। इसलिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? संभवात मतलब कृष्ण की। अभी समझ में आ रहा है? ओके। यह स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया भगवान का शुद्ध वर्णन है। सर्वस्व प्रभु बताता है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव समेत सबके सृष्टा सबके सृष्टा भगवान है, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा के सृजन से पूर्व जो विद्यमान था, जिन्होंने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया, वो ही श्री कृष्ण है। तो गोपाल तापनी उपनिषद में भी ऐसा बताया गया। देखिए प्रभुपाद उपनिषद के ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं। फिर नारायण उपनिषद में भी ऐसा बताया गया है कि परम भगवान नारायण ही जीवों की उत्पत्ति के कारण है, यानी परम कारण नारायण है। तो नारायण विष्णु कृष्ण पहुंचा रहे हैं श्री प्रभुपाद एटलीस्ट, है ना। फिर उसके बाद देखिए नारायण उपनिषद ये भी कहती है कि देवकी के पुत्र कृष्ण परमेश्वर है। श्री प्रभुपाद सब जगह से कोटेशन दे रहे हैं सारे उपनिषद से, कि ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कृष्ण भक्त हूँ मैं इस्कॉन की एस्टेब्लिशमेंट की है इसलिए आप जो है कृष्ण को हर जगह गुजरते हैं, नहीं, सारे उपनिषद पढ़ लीजिए, वो बताते हैं परम कारण। तो नारायण का सर्वेश कारण के रूप में शंकराचार्य तक ने, श्री प्रभुपाद देखिए कितना, इतना बताने के बाद श्री प्रभुपाद मायावादी विचार है ना कि किसी की भी भक्ति करो सेम डेस्टिनेशन होता है, तो उन्होंने उनके जो गुरु है शंकराचार्य उनका भी रेफरेंस दिया है शंकराचार्य मायावादियों के हेड है, है ना, उनका भी बताया है कि देखिए शंकराचार्य ने तो वैष्णव थे ना सगुण संप्रदाय के थे, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूल मते, कि बेटा आज तक मैंने जितना ज्ञान दिया है अगर उसको लेके चलोगे तो तुम्हारी अधोगति होती है, इसलिए केवल भज गोविंदम कर लो तभी तुम्हारी कल्याण होगा। तो जाते जाते वो भी ये बता के गए शंकराचार्य, ठीक है ना। तो जितने भी उपनिषद हैं महाउपनिषद हैं उन सब में ये बातें कही गई, और कश्यप प्रभुपाद ने अलग अलग कोट्स किए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं उसमें। तो इस प्रकार सारा साहित्य इसकी पुष्टि करता है कि नारायण या कृष्ण के समस्त पाप सभी कारणों के कारण है, ब्रह्म संहिता में भी कहा है मैंने जैसे बताया था। तो ये दृढ़ निष्ठा की पूर्ण कि कृष्ण सर्वो सर्वा है तब स्थापित होता है जब मनुष्य धीर आचार्यों से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश को श्रवण करता है। ये इतना आसान नहीं है। एक बार शुक्राचार्य और इंद्र तपस्या कर रहे थे। तपस्या किस लिए कर रहे थे? वो जानना चाहते थे कि वो कौन है और परम भगवान कौन है। तो उसके बाद जब कई हजार वर्ष बीत गए तो भगवान जो है एक गुरु के रूप में प्रकट हुए और ईश्वर बोले तुम क्यों तपस्या कर रहे हो, मैं जानना चाहता हूँ कौन है। ईश्वर चले मैं भी जानना चाहता हूँ कौन। तो उन्होंने इंद्र को बोला कि तुम थोड़ा 50,000 साल और तपस्या करो तब तुमको समझ में आएगा कि भगवान कौन है। और शुक्राचार्य को उससे दुगना 100,000 वर्ष सब बोला कि आप और तपस्या कीजिए तब प्रकट होगा। उन लोगों ने तपस्या की, फिर उसके बाद फिर भगवान आए अलग रूप में, उनको बोला कि ठीक है तुम अभी समझ तो सकते हो इंद्र, लेकिन अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए, थोड़ा और तपस्या करो, है ना। उनको कुछ और शास्त्र वर्षों के लिए कहा गया था और शुक्राचार्य को ऑब्वियसली ज्यादा वर्ष बताया गया। उसके बाद फिर भगवान जी उनको रिवील करते हैं कि परम सत्य जो है वो कृष्ण है और हम उनके अंश हैं, और हम उनकी जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक जो है हम संतुष्ट हैं। और श्री प्रभुपाद ने हमें फर्स्ट नॉलेज ये दे दी, कितने हजार साल बता दी बचा दी
हमें जो चीजें प्राप्त हैं कब पता चलती हैं, जब आप डीपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिलॉसफीज आगे चल के पढ़ेंगे ना, कभी मौका मिलेगा अब जब पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या था और क्या दिया गया है, तब आप इसकी महत्व को समझ। अभी समझ में आ रहा है आपको? अभी देखिए श्री प्रभुपाद ने कैसे प्रूफ करना शुरू किया, क्या सिद्धांत से, पहले तो मायावादी सिद्धांत की सबकी भक्ति करने से सेम रिजल्ट मिलता है, उसका खंडन हो रहा है ना यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरा श्री प्रभुपाद ने एस्टेब्लिश किया कि धीर पुरुषों से सुनना चाहिए, फिर उन्होंने धीर को एक्सप्लेन किया है ना कि धीर कौन होते हैं, जो भौतिक किसी भी चीजों से विचलित नहीं है ना, कोई भी अप्स एंड डाउन्स, मतलब काफी हैवी अप एंड डाउन्स में भी विचलित नहीं होते। वो लोगों से जब हम भगवान के बारे में गीता या भागवत या ईशोपनिषद सुनते हैं तो हम सही श्रवण कर पाते। सही श्रवण का क्या नतीजा है, ये समझना कि संभवात की भक्ति करना और असंभवात की भक्ति करने के रिजल्ट अलग अलग होते हैं। क्लियर हुआ? संभवात यहाँ पे भगवान के लिए प्रयुक्त किया गया, इसके लिए श्री प्रभुपाद ने वो कृष्ण है ऐसे कई उपनिषद के एग्जाम्पल दिए कि परम कारण कौन है, कृष्ण है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि यह निश्चित कृष्ण जो है वो सर्व सर्व सर्वा है, ये कौन तय करता है, धीर पुरुष से श्रवण करने पर हमें पता चलता है। ठीक है, समझ रहे हैं? ये एक छोटी सी लाइन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है और इसको समझना इतना आसान नहीं है। ये कैसे आप समझ सकते हैं जब आप प्रचार करने जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मुश्किल काम है ये, कि किसी को ये समझाना कि वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्यों गोलोकेश्वर बहुत ही मुश्किल काम है। जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण में श्रद्धा या उसके प्रति प्रेम नहीं है, वो सरल सत्य के प्रति विश्वस्त नहीं हो सकता, और श्रद्धालु ये मूर्ख लोग जो होते हैं कभी भी भगवान के इस सत्य को स्थापित नहीं करते। या कि संभूति की पूजा करने से अलग रिजल्ट मिलता है और असंभूति की पूजा करने से अलग रिजल्ट, वो कभी एक्सेप्ट नहीं क्योंकि मूर्ख होते हैं। तो भगवद गीता सुनने से पूर्व अर्जुन अपने परिवार उनके प्रति बहुत कैसा था, बहुत प्रेम प्रदर्शित कर रहा था ना, मैं कैसे मारूंगा, मैं कैसे करूंगा, तो वो देख कैसा रहा था, शरीर लेवल पर देख रहा था, और उसका नॉलेज क्या था, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी कंप्यूटर है ना, ये सब उसका नॉलेज था, जब कंप्यूटर उंप्यूटर पढ़ के वो भगवान को नॉलेज दे रहा था है ना, वो सब गड़बड़ हो रहा था। तो उसके बाद भगवान ने कहा बेटा तुम्हारा नॉलेज ही गड़बड़ है, हरे हरे बोल पद्मा माता जी, माता जी को नींद आ रही है। वेदांत सूत्र के अनुसार संभूति जन्म तथा पालन का स्रोत होते हैं, ऐसे जलाशय रूपी स्रोत जो प्रलय के बाद भी बचा रहता है, ये समझना बहुत जरूरी। मान लो पूरी दुनिया में प्रलय आ जाए तब भी वो बना रहता है, ये ऐसा संभूति है जिसको कैसे भागवतम का श्लोक समझेंगे, जन्माधस्य तो अन्वयाति तिरता चार्थेषु अभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिम साम्यथा विनिमय यत्ति सर्गो मृषाम धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। ये धीमहि कैसे हैं, ये भगवान कैसे हैं जो प्रलय होने के बाद भी थे और प्रलय होने के बाद पहले भी थे, पर हमेशा रहते हैं वो कभी नहीं जाते। जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा ना डरती, बहुत बहुत डर लगता था मुझे, और मेरा हमेशा ये रहता था एक ऐसी वस्तु की तलाश करना जो मेरे पास हमेशा रहे, मुझे छोड़ के कभी ना जाए। अच्छा, जब भी मैं किसी के चैन करती थी, मम्मी को चैन करती थी, तो मम्मी इतने कामों में बिजी हो जाती थी, मुझे छोड़ देती थी। पापा को चैन करती थी, वो ऑफिस चले जाते थे, है ना, बाकी लोगों की भी यही दशा थी। फिर मैं जैसे भगवान की भक्ति करती थी तो जैसे उसमें जैसे शिव जी को या दुर्गा जी को या किसी को स्टेप, वो चले जाते थे, फिर मैं बहुत रोती थी, है ना। तो कोई ऐसा व्यक्ति मैं ढूंढती थी जो मेरे पास हमेशा रहे। तो श्री प्रभुपाद से जब मैं मिली तो श्री प्रभुपाद ने मुझे कृष्ण दिए और उन्होंने एक ही बात कहा, ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ऐसी ऐसी वस्तु मिली जो कभी नहीं थी। तो ये जो श्लोकाज है ये मुझे बहुत पसंद आता है कि क्या श्लोका, जीव को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जिसके पास हमेशा है, जिसको हमेशा वो प्रेम कर सके,
है ना, जिसको जिसके साथ वो आश्रय तत्व के रूप में रह सके हमेशा, और हमेशा रहे, एक सेकेंड के लिए भी कहीं ना जाए इधर से। तो आपका लवर तो हो ही नहीं सकता और भी कोई भी नहीं हो सकता, वो फिल्मों में जरूर दिखाता है लेकिन होता कुछ नहीं, एक ही व्यक्ति आपके पास हमेशा रह सकता है, वो है कृष्ण, ही इज रियल हीरो। तो ये जन्माधस्य श्लोक से पता चलता है कि भगवान जो है सबके स्रोत हैं। तो शिल प्रपद ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि संभवात यहाँ कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किंतु शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता भी उन्हें पूरी तरह नहीं जानते, भगवद गीता में भी कहा गया है, निश्चय ही अर्ध शिक्षित गुरु भवसागर के उतार-चढ़ाव से विशुद्ध रहते हैं, पूरी तरह उन्हें नहीं जान सकते। मारो समझ ये पूजा का लक्ष्य मानकर कुछ समझौता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ऐसी पूजा मात्र एक कल्पना है, क्योंकि जनता अपूर्ण है। तथाकथित गुरुओं का यह प्रयास वृक्ष की जड़ में पानी नहीं डालना है, वास्तविक विधि तो है कि वृक्ष की जड़ में जब पानी डाला जाता है तभी पूरा जो पौधा है वो नरिश होता है। श्रीमद भागवतम का एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद दे रहे, उसी तरह से जब तक कृष्ण तक हम नहीं पहुंचते, लेकिन कृष्ण तक नॉर्मल सोर्स से पहुंचेंगे तो नहीं होगा, जब तक आप परंपरा के गुरुओं के साथ कृष्ण को नहीं पकड़ेंगे तब तक आपका उद्धार नहीं, समझ रहे हैं। कृष्ण तक बहुत लोग पहुंच जाते हैं, वृंदावन में बहुत लोग ऐसे ना गोल गोल घूम घूम के वीडियो खिंचाते हैं, है ना, राधे 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 करते रहते, तो कृष्ण तक बहुत लोग पहुंचते हैं लेकिन वो राधे ही राधे करते रहते हैं, फिर थोड़े दिन बाद गोल गोल घूम जाते हैं कहीं और चले जाते हैं फिर वो। लेकिन जो भगवान की भक्ति धीर पुरुषों के द्वारा सुनकर करते हैं वो सही चले। श्री पर लास्ट में बोलते हैं इसीलिए ईशु मिश्र शिक्षा क्या दे रही है कि वृक्ष के जड़ में पानी डालिए। देखिए लास्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, वृक्ष की जड़ में पानी डालिए, क्योंकि मानव सेवा की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि वो आत्मा की सेवा को इम्पोर्टेंट नहीं देता। आत्मा जड़ है ना, आत्मा जो है शरीर को जन्म देता है, उपचार, सामाजिक शिक्षा संबंधी सुविधाएं, मनुष्य की सेवा, पशुओं के गले काटना, जीव अर्थात आत्मा की कोई सेवा नहीं है। जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीर, जन्म मृत्यु, रोग और मृत्यु के भौतिक कष्ट भोग रहा है। मानव जीवन ऐसा अवसर है जब हम जीव तथा परमेश्वर के बीच खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं। भगवान संभूति अर्थात सर्वोपरि के प्रति शरणागति के सिद्धांत की शिक्षा देने के लिए स्वयं आते हैं, भगवान खुद आते हैं बताने के लिए, मेरी पूजा है। देखो तो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मानवता की वास्तविक सेवा तो तभी हो सकती है जब पूर्ण प्रेम तथा शक्ति सहित परमेश्वर की शरण ग्रहण करके पूजा करने की शिक्षा दे। इस मंत्र में यही बताया कि जब तक हम सद्भूति की भक्ति नहीं करेंगे प्रेम और श्रद्धा से, तब तक हम अपना भी उद्धार नहीं कर सकते और मानवता का भी उद्धार नहीं किया जा सकता। अशांत के इस युग में परमेश्वर की पूजा करने की सरल विधि है कि उनके महान कार्यकलापों के विषय में श्रवण और कीर्तन किया जाए। शिल्पा श्रवण कीर्तन को हमेशा बीच में लाए, है ना, भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करने के बजाय ऐसे ढोंगी गुरु अनुयायियों का उनका गुणगान करने के लिए फुसलाकर खुद को विज्ञापन करते रहते हैं। ऐसे पाखंडियों को सुनने से हमारा जीवन जो है वो विनष्ट हो जाएगा और वो हम कहाँ फंस जाएंगे, छब्द अवतार के अपवित्र प्रचार से हमें बचना चाहिए। भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय का सारा कलमश दूर हो जाता है जब रजोगुण तमोगुण उत्पन्न होता है। अभक्त रजोगुण तथा तमोगुण के वश में रहते हैं, जो रजोगुणी है वो भौतिक लालसाओं से विरक्त कभी नहीं हो सकते और तमोगुणी है वो कभी नहीं जान सकते कि वो क्या है और भगवान क्या है। अतएव रजोगुण या तमोगुण के लिए आत्म साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं रहती, चाहे वो कितना भी धर्मात्मा बनने का प्रयास करें। भक्त के लिए रजो तथा तमोगुण भगवत कृपा से दूर होते हैं। क्लियर हो गया, ज्यादातर लोग रजो और तमोगुणी हैं। रजोगुणी और तमोगुणी क्या होते हैं, रजोगुणी जो होते हैं वो भगवान को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि भौतिक लालसाएं होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रजोगुणी भगवान को क्यों नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके अंदर बहुत भौतिक लालसाएं रहती है, तो भगवान की इच्छा कैसे करेगा। और तमोगुणी जो होता है घोर अज्ञानी होता है, इसलिए वो भगवान को कभी नहीं समझ सकता। ये दोनों में अंतर है
है ना। इसलिए क्या कहते हैं शिल्प पर कि सत्व गुण में कम से कम होना चाहिए। आदर्श ब्राह्मण का लक्षण है कि कोई व्यक्ति यदि वो प्रामाणिक गुरु के निर्देश भक्ति का अनुपात अनुगमन करे तो ब्राह्मण बन सकता है, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कोई भी कर सकता है। देखिए कितना शिल्पोपात अपने आप को मतलब बता रहे हैं कि शिल्पोपात इस्कॉन में जो विदेशी हिप्पियों को प्रचार करके उनको ब्राह्मण भक्त बनाए वो कैसे सिद्धांत के अनुसार है। तो शिल्पोपात एग्जाम्पल किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकशा आभिर शुभा यवना खसगाद सी च पापम सदु दुराशारा शुद्ध्यंती तस्मे प्रभो विष्णु नमः। कोई भी निम्न जमना व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में शुद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान अद्वितीय रूप से सच्चिमान है। जब मनुष्य ब्राह्मणों के गुणों को प्राप्त कर लेता है तब वो सुखी हो सकता है, भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है। एटलीस्ट हमें शुद्ध सत्व तक हमेशा रहे, नीचे नीचे के लोगों से ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। नीचे के नियम है जो, या जो नीचे के जो हमारी जो विचारशील है या जीवन जीने की जो धारणाएं हैं आचरण है उनको कम से कम नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हम सत्व गुणों में रहें ताकि हम भगवान के भक्तों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। तो जब हम शुद्ध सत्व में, जब हम सत्व में रहते हैं तो भगवान की जब भक्ति या भगवान का जो नॉलेज आता है तो उसको हम रिसीव कर सकते हैं। तो कितना भी मान लीजिए हमारा फॉल डाउन हो रहा है भक्ति में, हम सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, चैंटिंग नहीं हो पा रही है, एसोसिएशन नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट हमको कोशिश करना चाहिए कि हम रजोगुण में ना जाएं, रजोगुण तमोगुण में ना जाएं, एटलीस्ट हम सत्व गुण को मेंटेन कर पाए किसी भी तरह, है ना। तो क्या कर सकते हैं, तो हम हमेशा चैंटिंग कर पाएंगे, और जब हम भगवान से आर्द्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमें वापस सत्व गुण में ले, दिव्य सत्व गुण में ले जाए जहां हम भक्ति कर पाएंगे। तो यहाँ पे बताया कि भगवत विज्ञान जानने से मनुष्य क्या होता है, धीरे धीरे आसक्तियों से मुक्त होता है। तो ऐसे अगर किसी को बोलिए तो पता ही नहीं चलेगा कि वो पूरी तरह जकड़ा हुआ है, नहीं मैं तो बिल्कुल ओपन हूँ, बल्कि तुम लोग भक्ति कर रहे हो तो 50 नहीं है मैं तुम्हारे पास, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं करेंगे तो ये नहीं खाएंगे तो ये नहीं पिएंगे, हम लोग को देखो हम लोग जहां खाओ वहां रहो। नहीं ऐसा नहीं है जी, आप भी बंधन में ही है, आप माया के बंधन में, हम तो कम से कम भगवान के बंधन में बच जाएंगे, है ना। तो ये सब कैसे ज्ञान होता है, जब हम धीर पुरुषों से सुनते हैं। तो हम कभी कहेंगे संभवात की भक्ति और असंभवात की भक्ति करने से सेम रिजल्ट मिलता है, कभी भी नहीं एक्सेप्ट करें। आप देख रहे हैं पूरा छत्र छाया प्रभुपाद कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ तक लाके शुद्ध भक्तों से लाके कंप्लीट कर रहे हैं, और लास्ट में लिखते हैं मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्ति से मुक्त हो सकता है और संशयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है। जब उसे ये अवस्था प्राप्त होती तो उसको मुक्त आत्मा कहते हैं, यानी जीव के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन करता है। ये संभव प्रकार संभव संभव की पराकाष्ठा है, जैसा कि ईश्वर परिषद मंत्र में वर्णन हुआ। जब संभवात की पूजा करते तो मतलब क्या होता है, हम कृष्ण की शरण ग्रहण करते। तो कृष्ण की भक्ति करने से भगवत धाम जाएंगे, लेकिन असंभवात की भक्ति करने से हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो क्या, अभी समझ में आ रहा है कि भक्तों को क्यों नहीं देवताओं की पूजा करते हैं, या शिल प्रपाद ने अपने मंदिरों में देवताओं की उपासना को क्यों नहीं रखा? उसका रीजन ये है, देवताओं की पूजा अल्प मेधसा है ना, कम बुद्धि वाले देवताओं की भक्ति करते हैं, और शील प्रभुपाद जो है वो इसलिए इस्कॉन में नहीं रखे क्योंकि जो अल्प बुद्धि वाले जो रहते हैं वो वैष्णो को जब देखेंगे कि वो भक्ति कर रहे हैं तो वो उन्हीं देवताओं में ही लगे रहेंगे। समझ में आ रहा है, जबकि भक्त वैष्णो जो है किसी का अपमान नहीं करते हैं। शील प्रभुपाद जहां कहीं भी जाते थे तो दुर्गा देवी के मंदिर में जाते थे, प्रणाम करते थे, देखा आपने। गुरु महाराज भी देखे कहीं भी रास्ते में अगर कुछ मंदिर ऐसा पड़ता है, ब्रज मंडल पड़ता है, तो उन्हें शिव जी को प्रणाम करते हैं, है ना, आप समझ रहे हैं। लेकिन वो विशेष रूप से पूजा नहीं करते यदि यद आचरति श्रेष्ठ, क्योंकि अल्प बुद्धि वाले देवता होते हैं वो रजोगुणी होते ना, देवताओं के भक्त रजोगुणी सत्वगुणी होते हैं, तो वो लोग तुरंत फॉलो करेंगे, अरे प्रिया भी लेके आइए दुर्गा जी, तो ठीक है भाई हम भी पूजा करेंगे, वो भी तो वैष्णव है, जब वो पूजा कर सकती तो हम भी करेंगे।
तो पता चला जब आज की एकादशी वो छूट गई क्यों? क्योंकि दशहरा मना रहे थे कल, सिंदूर से होली खेल रहे थे, और फिर उसके बाद 9 दिन तक तो व्रत रहे, अब आज तो पूरी कचौड़ी खा। ओहो उधर आज तो एकादशी थी, अच्छा छुट्टी गया, हम तो दशहरा मनाने में लगे हुए, आज तो हमें काफी वो करना था, तो पता चला एकादशी छूट गई। समझ में आ रही बात? इसलिए बस ये कारण है कि श्री प्रभुपाद इस्कॉन में देवताओं की भक्ति नहीं करते, लेकिन मन मन से सारी धारणाएं क्लियर की है कि हमें सबकी क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। सारे देवता है रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन कृष्ण अस्तु भगवान से। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरी हरी।